हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा के बारे में, खासकर उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों ने मई 24 इनटेक के लिए अप्लाई करना है, सितंबर 24 इनटेक के लिए अप्लाई करना है, या जिन बच्चों की फाइल ऑलरेडी लॉज हो चुकी है, जो बच्चे अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, जिन बच्चों को वीज़ा रिसीव हो चुके हैं, जिन्होंने अभी इनरोलमेंट करवाना है मई 24 इनटेक के लिए, उन सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे कि आने वाले समय में कैसे आपने डिसीजन लेने हैं और कौन से डिसीजन लेने हैं। कैटेगरी वाइज बात करूंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा, जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, कैसे आपने आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने अपनी फाइल ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, जो बच्चे अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं मई 24 इनटेक के लिए। देखिए, जहां पर दो कैटेगरीज बनती हैं, पहली वो कैटेगरी जिनकी फाइल एम्बेसी में गई हुई है मई 24 इनटेक के लिए, दूसरे वो बच्चे हैं जिनकी फाइल एम्बेसी में गई हुई है सितंबर 24 इनटेक के लिए। जिनकी फाइल सितंबर के लिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आराम से आपको रिजल्ट मिलेगा और आराम से आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। पहली कैटेगरी जिन्होंने मई 24 इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी अगर रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि इस समय पासपोर्ट स्टैंपिंग में कम से कम 10 से 15 वर्किंग डेज लग रहे हैं, यानी कि 2 से 3 वीक का समय लग रहा है, उस समय तक क्या आपके कॉलेज की इनरोलमेंट कंटिन्यू रहेगी मई 24 इनटेक के लिए? अगर नहीं रहेगी तो आपको पहले पहले डेफरमेंट लेना पड़ेगा, जहाँ कॉलेज को स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरा पीपीआर आ चुका है, पासपोर्ट स्टैंप होने के लिए गया है। जैसे ही लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मेरे पास आएगा, मैं आपको शेयर करूंगा, मैंने अपनी टिकट ले रखी है और मैं ट्रैवल करने के लिए रेडी हूं। इस कंडीशन में भी आपको कॉलेज परमिशन देता है तभी आपने ट्रैवल करना है, अदरवाइज आपने ट्रैवल नहीं करना। अगर आपको पीपीआर नहीं आई तो ज़्यादा चांस है कि आपको डेफरमेंट के बारे में सोचना पड़े। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बच्चों को डेफरमेंट की मेल्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, आप कंटिन्यू अपनी मेल्स को चेक करते रहिए, अपने कंसल्टेंट के साथ बात करते रहिए। सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो बच्चे अभी मई 24 इनटेक के लिए फाइल्स लॉन्च करने की वेट कर रहे हैं, जिन बच्चों को अभी तक अटेस्टेशन लेटर नहीं आए, उनको क्या करना चाहिए? जहां पर भी दो कैटेगरीज हैं, वो बच्चे जिन्होंने मई 24 इनटेक के लिए अप्लाई करना था, जिन्होंने मई 24 इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशंस की फीस पे की हुई थी, दूसरे वो बच्चे जिन्होंने सितंबर 24 इनटेक में अप्लाई करना है, उसके लिए उन्होंने फीस पे की है और उसके लिए वो अटेस्टेशन लेटर की वेट करते हैं। अगर तो सितंबर है तो बेफिक्र रहिए, आपका प्रोसेस फिर आराम से हो जाएगा, आराम से आपको वीज़ा आ जाएगा। अभी बात करेंगे मई 24 इनटेक की। जो बच्चे मई 24 इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, अटेस्टेशन लेटर की वेट कर रहे हैं, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, नोट कर लीजिए अच्छे से, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आज ही बिना अटेस्टेशन लेटर की वेट किए कॉलेज को मेल करें डेफरमेंट के बारे में, अदरवाइज आपको हो सकता है कि सितंबर इनटेक में भी डेफरमेंट ना मिले। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपको जल्दी से जल्दी डेफर करना चाहिए, इसके पीछे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे बच्चे सितंबर 24 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दो तरह से बच्चे हैं, एक बच्चों को रिफ्यूजल आ रही है, वो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे अटेस्टेशन लेटर की वेट कर रहे थे, वो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, न्यू कमर्स जो अभी अपीयर हुए हैं, फिर चाहे वो बैचलर है, मास्टर है, ट्वेल्थ है, उनका रिजल्ट आने वाला है, वो बच्चे कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 15 से 17 कॉलेज कनाडा में हैं जो पीपीपी के अंदर आते थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, उनके आने वाले इनटेक सितंबर इनटेक को बंद कर दिया गया है। वर्क परमिट बंद होने के कारण मैक्सिमम बच्चों को कॉलेजेस ने कोशिश किया है कि कैसे ना कैसे उनको एडजस्ट करें, मगर फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां पर जाकर अपना कॉलेज चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सितंबर इनटेक उनको मिल रहा है, तो इस केस में सितंबर इनटेक के फिल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि जब आप ट्राई करेंगे डेफरमेंट के लिए तब आपको डेफरमेंट ना मिले। अगर आज भी आपको अटेस्टेशन लेटर आ जाता है और आज ही आप अपनी फाइल लॉन्च करते हैं तो भी 0% चांस है कि मई 24 इनटेक से पहले आपको पीपीआर आ जाए, आप अपना पासपोर्ट स्टैंप करवा लें और ट्रैवल कर मई 24 इनटेक में आप इनरोल हो सकें, तो ज़्यादा चांस है कि आपको डेफरमेंट के लिए जाना पड़ेगा। जितना जल्दी डेफरमेंट का डिसीजन लेंगे उतना ही आपके फेवर में जाएगा। अभी लास्ट में उनके बारे में बात करेंगे जिनको पीपीआर आ चुकी है।
पीपीआर जिन बच्चों को आ चुकी है, पहले तो मैं पूरी टीम, हमारी वी पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। सबसे पहले आपने अपने पासपोर्ट को स्टैम्प करवाना है, अपने जीसी की अकाउंट को चेक करिए, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जब भी आपको आता है, तीन डॉक्यूमेंट आपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को भेजने हैं, पीपीआर, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और आपका जो स्टैम्प होकर पासपोर्ट आएगा। अगर पासपोर्ट स्टैम्प होकर नहीं आया, पीपीआर आया, तो पीपीआर भेजिए। कॉलेज को आप टिकट भेज सकते हो, कॉलेज से परमिशन लीजिए कि मैंने ट्रैवल करना है, मैं मे इनटेक के लिए आने वाला हूँ। अगर कॉलेज के पास सीट्स हैं तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा। अगर वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा तो वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आपके पास आता है, सबसे पहला काम है कि आपने कॉलेज को प्रोवाइड करना है, उसके बाद ही आपने ट्रैवल करना है। मेरी एक पूरी वीडियो है कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, कैसे आपने ट्रैवल करना है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पिन में भी कर दूंगा जहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पूरी प्लानिंग ट्रैवलिंग के लिए कर लेनी है, ताजो आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जो आपके पास ना हो जब आप वहाँ पर अपना इमिग्रेशन कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये तीनों अपडेट पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि आने वाले समय में आपने अपने प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम 100% आपकी हेल्प करेगी। आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में जरूर शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तभी पॉसिबल है अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे। कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है हमारी, स्टडी वीज़ा के लिए पूरी तरह से फ्री है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए जस्ट 25,000, विजिटर वीज़ा के लिए जस्ट 25,000। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से, पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकता है, पूरे का पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन के माध्यम से आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।